सबसे पहले तो मैं आप सबको अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम विशाल नाथ है और ये मैंने नादी धारण किया हुआ है 12 पंथों में से नाथ संप्रदाय के एक पंथ से मैं दीक्षित हूँ। आज जो मैं ये सुधीर चौधरी सूरी, ये सूरी जो है हरामखोर सूरी, इसका पुतला जो है जलाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले इसको ये गोबर का स्वाद जो है चखाने वाला हूँ। पहले हम इसको गोबर खिलाएंगे, उसके बाद अपनी वीडियो को शुरू करेंगे। तो लीजिए, पहले इनके लिए प्रसाद है सूरी साहब के लिए। सूरी ले गोबर का प्रसाद खा, और मैं बताता हूँ कि मैं तुझे गोबर आज क्यों खिला रहा हूँ, किस वजह से खिला रहा हूँ, और एक हिंदू होने के नाते हमें तुम लोगों का विरोध क्यों करना पड़ रहा है, आज मैं सारी बातें आप लोगों को बताऊँगा। पहले मेरे को ज़रा इसको प्रसाद लगाने दो गोबर का। तो ले बेटा खा पहले गोबर का। ये हम सुधीर सूरी को, ये जो है ना सूर को, सूरी भी कहते हैं सूअर को, जो है मैंने ये जो गोबर का प्रसाद खिलाया है, ये क्यों खिलाया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बंदे ने जो हमारे सिख भाई हैं, पहले NRI भाई थे, उनके पारिवारिक महिलाओं के लिए गलत शब्दावली का प्रयोग किया, और कल मैंने इसका एक वीडियो देखा है जिस वीडियो में ये जो है सिख भाइयों के बहन के लिए, बीवी के लिए, बेटियों के लिए गलत जो है बात बोल रहा है। ये बोल रहा है कि सारे जो है खालिस्तानी, इनकी जितनी भी औरतें हैं वो सब जो है गलत काम मेरे साथ करती है, कल इसने बोला है। तो इसलिए आज मैंने इसको गोबर खिलाया है। पहले तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जब हमारे देश के अंदर खालिस्तान ही नहीं है तो खालिस्तानी कैसे हो जाएंगे? अगर खालिस्तानी तो तब होंगे ना जब खालिस्तान होगा। खालिस्तान है नहीं, खालिस्तान के नाम पर एक भी सरकारी मोहर नहीं है। तो सबसे पहले तो ये देशद्रोही है, इनके ऊपर मुकदमे होना चाहिए, क्योंकि ये सिखों को जो है बदनाम कर रहे हैं, उनको खालिस्तानी बोल रहे हैं। आज तक कभी भी सिखों के ओर से कोई बयान नहीं आया है कि उनको खालिस्तान बनाना है, या जो अकाल तख्त साहब के जत्थेदार साहब हैं उन्होंने भी कभी नहीं ये बोला है कि हमें जो है खालिस्तान बनाना है। उन्होंने बोला कि अगर मिलता है तो अंधा क्या मांगे दो आंखें, ठीक है। तो उन्होंने ये एक बात बोली है, इस बात को इन लोगों ने बहुत विरोध किया। तो मैं इन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, 94% जो है शहादत सिखों ने दी है, 125 फांसियाँ हुई हैं जिसमें 94 सिखों को जो है, सिखों ने जो है फांसी के जो है फंदों को चूमा है। सिखों को क्या मिला है? जलियांवाला बाग मिला, पंजाब के टुकड़े हुए। पहले पंजाब जो था वो शिमला से ऊपर ढली तक था, आज शिमला भी हिमाचल में हो गया, हर तरफ से पंजाब को तोड़ा गया है। और सिखों की जो कुर्बानियां हैं ये हम जानते हैं कि कितनी इन्होंने कुर्बानियां दी है, बताने की ज़रूरत नहीं है आज। तो उनका कहने का मतलब ये था जत्थेदार साहब का कि हमारी कुर्बानियों का अगर हमें कोई सरकार मोल दे रही है तो वो मोल हम प्राप्त कर लेंगे। अब दूसरी बात, अगर कोई भी सिख अगर अपने अधिकारों की बात करता है, जैसे हम हिंदू अपने अधिकारों की बात करते हैं, मुसलमान अधिकारों की बात करते हैं, दलित अधिकारों की बात करते हैं, अगर सिख भी दलित जो है अधिकारों की बात करते हैं, तो सिख जो है शिवसेना वालों को नहीं बोलते, इस सूअर को नहीं बोलते हैं कि हमें जो है हमारा हक दिलाओ, ठीक है। ये कोई राष्ट्रपति नहीं लगा हुआ है पंजाब का, सिख सर जो है सरकारों को बोलते हैं। सिखों की लड़ाई सरकारों के साथ है। सिखों ने कभी हमारे हिंदुओं के मंदिरों के लिए कोई भी टिप्पणी नहीं की कि हमारे जो मंदिर हैं, चाहे हमारे राम मंदिर बन रहा है, किस तरह से बना, कैसे बना, सिखों ने कभी कोई टिप्पणी नहीं की। आज ये जो लोग हैं संत जरनैल सिंह जी पिंडरांवाले बाबा जी के लिए, जो एक महान संत है, महान संत रहेंगे जब तक इस दुनिया में सिख है, हिंदू है, मानव है, तब तक संत जी का नाम रहेगा। संत जी ने बोला था कि लड़की चाहे हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, किसी भी धर्म की हो, वो सारी हमारी बहन और बेटियां हैं। आज ये जो सिखों के परिवारों को, उनकी महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, इसको शर्म आनी चाहिए इस चीज़ की, इसको शर्म इस चीज़ की आनी चाहिए कि सिखों ने हिंदुओं की कितने परिवार की औरतों को बचाया है, कितनी मदद की है। हालांकि 90 और आज के दशक में भी अगर कोई सिख
बस में बैठ जाएगा ना, तो औरतें पहले क्या देखती है, अपनी बेटियों को चढ़ाने से पहले, बहुओं को चढ़ाने से पहले, बहनों से चढ़ाने से पहले कि बस में कोई सिख बैठा है, अगर सिख बैठा है तो हमारी बेटियां जो है सुरक्षित है। तो पहली बात तो ये जो संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले जी के लिए बोलते हैं, देखिए कभी भी सिखों ने बाला साहब ठाकरे के लिए नहीं बोला, किसी राष्ट्रीय हिंदू अध्यक्ष के लिए नहीं बोला कि तुमने इसको राष्ट्रीय हिंदू अध्यक्ष क्यों बनाया है। तो पहली बात तो हमारा कोई हिंदुओं का हक नहीं बनता है कि हम संत जी के लिए कोई टिप्पणी करें, हमारा क्या हक बनता है। ये जो है संत जी ने जो है वो देश सिखों की नज़र में और मेरी नज़र में और हमारे जैसे लाखों हिंदुओं की नज़र में देश के कौम के हीरे थे जो अपनी कौम के लिए शहीद हो गए। तो सिख अगर उनको शहीद मानते हैं, संत मानते हैं, तो ये सिखों का व्यक्तिगत मामला है, इसमें किसी भी हिंदू को बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम हिंदू क्यों बोलें। और ये बोलता है कि हमारा हरमंदर साहब, तेरे बाप का घर तेरा नहीं हुआ, तेरा हरमंदर साहब कहाँ से हो गया। ठीक है, माफ़ करना मुझे भाषा इसके लिए बोलनी पड़ेगी, हरमंदर साहब सिखों के है, सारे गुरुद्वारे साहब सिखों के है। अगर तुझे हरमंदर साहब नज़र आ रहा है कि तू बोलता है कि संत जी जो है हथियार लेकर हरमंदर साहब में गए, हमारे हरमंदर साहब के ऊपर हमला हुआ, तो मैं तेरे से एक बात पूछता हूँ, उस दिन 37 गुरुद्वारे साहबों के ऊपर हमला हुआ, तुझे वो 37 गुरुद्वारे साहब क्यों नहीं दिखते। तेरे को क्या ऊपर जो है गुंबद में लगा हुआ है सुअर, तेरे को क्या सोना नज़र आ रहा है। दुर्गाना मंदिर में नहीं घुसे संत जी, दुर्गाना मंदिर में नहीं घुसे। ये सिख अगर जो है हमारे सिख भाई उनको संत मानते हैं तो हम भी संत मानेंगे, यही हमारा भाईचारा है। इसका मैंने कल वीडियो देखा जिसमें ये बोल रहा है कि हर हिंदू को 40 लोगों को मारना चाहिए। पहले इसने खालिस्तान की बात की, फिर सिखों की बात की, और फिर बोला 40 लोगों को मारना चाहिए। अब अगर इसका जो है बयान, अगर हम इसके ऊपर केस डालते हैं तो ये कल को बोलेगा कि हमने तो सिर्फ 40 लोगों को मारने की कि जो गद्दार हैं, जैसे इसने पहले बोला था कि 2% जो है सिख के लिए। इससे सबसे बड़ी दुश्मनी ये है कि जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, उन्होंने कभी भी किसी भी शिव सैनिक ने कभी किसी औरत का कभी भी तिरस्कार नहीं किया। ये जो औरतों का तिरस्कार कर रहे हैं, ये जो हिंदुओं को सिखों को लड़वा रहे हैं, सिख जो है खालिस्तान की मांग नहीं करते, ये कर रहा है खालिस्तान की मांग। इसका मतलब समझो, ये खालिस्तान के मुद्दे को कभी भी, ये जो सूरी हो गया, निशांत शर्मा हो गया और ये 3-4 जो गंदे अंडे हो गए, ये सारे सुअर खालिस्तान के मुद्दे को कभी भी शांत नहीं होने देते। ये हमेशा जो है कहीं ना कहीं उंगली करते रहते हैं। भारत में कहाँ पे खालिस्तान के लिए बोल रहे हैं, और बोल भी रहे हैं तो सिख अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो वो सरकारों से मांग रहे हैं। अभी जैसे कि थोड़ा बहुत हुआ विवाद हुआ है खालिस्तान को लेकर, तो ये तुम शिवसेना वालों ने किया क्या। तुम शिवसेना के तो हो नहीं, पहली बात अपनी किस सेना के हो, तुम शिवसेना वालों ने किया, तुम शिवसेना वालों ने नहीं किया, सरकार ने किया, जो किया आगे भी जो करेगी वो सरकार करेगी। हम हिंदुओं ने सरकारों से हक लिए, मुसलमानों ने सरकारों से हक लिए, तो हमारे सिख भाई भी सरकारों से हक लेना चाहते हैं। वो सरकारों की और सिखों के बीच की बात है। आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ, मैंने जब ये वीडियो बनाया था तो इसका वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसलिए मैं इसको दोबारा से वॉइस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अब सीधी सी बात है, सारे गुरुद्वारे साहब जो हैं वो सिखों के, सिख वहाँ पर हथियार रखें, सिख सोने का बनाए, सिख चांदी के गुरुद्वारे साहब बनाए, मिट्टी के बनाए, लोहे के बनाए, जितने मर्जी शहीदों की जो है वो समाधियाँ बनाएं, जैसे मर्जी वह पूजा करें, जो मर्जी अपनाए और नियम अपनाए, उसमें हम हिंदुओं को बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है कि हम हिंदू उसके लिए बोले कि नहीं जी हम हिंदू बोलेंगे, जब सिख नहीं बोलते। कभी किसी सिख ने ये बात बोली है किसी की हिंदू की गर्दन पकड़ के कि भैया तुम संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले को जो है तुम जो है उनको संत बोलो, जैसे आज हमारे हिंदू समाज में हो रहा है कि मुसलमानों के लिए बोला जा रहा है, मुसलमानों को बोला जा रहा है, मुसलमान हिंदुओं को बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादा तो हिंदू ही हमारे बोल रहे हैं। मैं एक नाथ संप्रदाय का इंसान हूँ, मैं सब कुछ छोड़कर पूजा भक्ति में बैठ गया था, तो मेरा तो देखो जो भी है, मेरी महाकाली है, मेरे आपने पहले वीडियो देखे, किसी ने मुझे टकसाल का बोला, किसी ने बोला सिख है तू, तूने केस कत्ल कराए हैं, तो मैं 12 पंथों में से एक पंथ से दीक्षित हूँ, अघोर अखाड़े से हूँ, साधक हूँ, पूरे 20 साल से साधक हूँ, नादी को धारण किया हुआ है, ये मेरा आश्रम है। अगर मैं लॉकडाउन का, सिर्फ ये है कि जो लॉकडाउन हुआ है वैश्विक जो महामारी, अगर मुझे इसका ख्याल ना होता तो यहाँ पर 5 लोग नहीं 500 लोग हम लोग खड़े कर देते।
तो सीधी सी बात है कि पहली बात तो भाई, अगर तू बोलता है कि खालिस्तानी आतंकवादी है तो मुझे खालिस्तान दिखा दे, कहाँ पर सिखों ने टैंकर रखे हैं, कहाँ पे, सिख नहीं बोलूँगा, कहाँ पे खालिस्तानियों ने टैंकर रखे हैं, कहाँ पे AK-47 रखी है, कहाँ पर बम रखे हैं, वो बताना, हमारे को भी बताना भाई, हम भी तो देखें खालिस्तान है कहाँ पर, कहाँ पर खालिस्तान की मोहर लग रही है। ये तुम लोग बदनाम कर रहे हो सिखों को खालिस्तानी बोल बोल कर, पहले खालिस्तानी बोल रहे हो और उसके बाद जो तुम्हें इनकी माँ बहन बेटियों को गालियाँ दे रहे हो। अरे दशमेश पिता, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने पिता को कुर्बान किया, बेटों को कुर्बान किया, खुद कुर्बान हुए, और कितने जो है हमारे जो है सिख जो है शहीद हुए, सिर्फ हम हिंदुओं के लिए हुए। आज उन्होंने सिख ने, आज जो है गुरु गोविंद साहब जी ने हम हिंदुओं को राज दिलाया है, राज दिलाने वाले वो हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर गुरु गोविंद साहब जी ने हमारे को राज दिला दिया है और आज अगर सिख भाइयों को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो ये अगर सिख भाई सोचे कि हम पीछे हट जाएंगे, तो कोई भी हिंदू, मेरे जैसा कोई भी हिंदू पीछे नहीं हटेगा। हम शहीदी देने के लिए, मैं खास करके मैं शहीदी देने तक के लिए तैयार हूँ। मैंने पहले जब आवाज़ उठाई, मेरे टिकटॉक बैन हो गया, सबके बैन हो गया, मैंने पहले ही बोला था कि मैं रोड पर उतरूँगा, और आज मैं इसको जो है पहले गोबर खिला रहा हूँ, अभी इसका जो है पुतला भी फूंका जाएगा, वो इसलिए कि इसको बताया जाए कि हमारे दिल में तुम्हारे लिए कितनी नफरत है। दूसरी बात, जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो हम करेंगे। इन लोगों को जितना दम है, तुमने जितने मेरे ऊपर पर्चे करने हैं बेटा, जो पर्चे करने कर लो, हमने तो 10-15 साल से सब कुछ छोड़ा हुआ है, लेकिन ये मत सोचो कि हमने छोड़ा है लेकिन भूल गए, हमने बहुत कुछ छोड़ के माला पकड़ी है हाथ में, लेकिन तुम लोगों ने मजबूर कर दिया है। तुम सिखों और हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश कर रहे हो, हम हिंदू सिख कभी नहीं लड़ेंगे। और मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी होगी अगर सिखों को भी उनके अधिकार मिले, उनकी जो शहादत है, उनकी कुर्बानी जो है, उनका मोल सिखों को मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा जो है खुशी मेरे को होगी, और किसी को मैं नहीं जानता हूँ, सिखों से भी ज़्यादा मेरे को जो है खुशी होगी। दूसरी बात, मैं मीडिया वालों को भी एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरे पास आओ तुम लोग इंटरव्यू लेने कभी, ठीक है। हमारे पीछे इतनी, 3 शिवसेना के 4 अंडों के पीछे इतने लोग नहीं खड़े होंगे जितने मेरे पीछे लोग खड़े होंगे। तुम्हारे को जब पता है कि तुम मीडिया वाले भी, जो तुम्हें पता है कि तुम संत जी के लिए बात करोगे, तो ये आगे से उनको आतंकवादी वक्फवादी बोल लेंगे। तुम लोग या तो एक काम करो, हाथ में एक इतनी जान भर के जाओ कि जैसे ही संत जरनैल सिंह जी पिंडरावाले को कोई आतंकवादी बोलता है, चाहे कोई भी है वो, चाहे वह सिख है, चाहे शिव सैनिक है, चाहे मेरे जैसा कोई हिंदू है, कोई भी है, तो घुमा के वहीं पे रखना है, उसका इंटरव्यू बंद करना और वहीं थप्पड़ रखना है। पहले या तो इतनी हिम्मत लेके आओ, नहीं तो तुम लोगों को पता है, 2 मिनट रुक जाओ, इस सुअर को भूख लग गई है, मैं इसको थोड़ा सा गोबर और खिला दूं, ठीक है, इसको गोबर ही खिलाना है, क्योंकि गायें जब पूंछ उठाती है तो गोबर ही करती है, और ये कुत्ता जब भी मुंह खोलता है तो ये भी एक जो है मुंह से गंदगी ही फेंकता है। देखो इसको हम 2 बारी गोबर खिलाया है, बेटा भूखा नहीं रखेंगे, नाथों के हाथ का गोबर खा रहा है तू, विशाल नाथ के हाथ का, बहुत भाग्यशाली है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम ऐसी ना तो शिवसेना के साथ है, इनका हम विरोध भी करेंगे, अगर हम हिंदुओं की वजह से शिवसेना खड़ी है तो हम इनको पंजाब से निकालेंगे भी। जो हमारी बहन बेटियों के लिए शिवसेना का हो, चाहे कोई भी हो, जो हमारी बहन बेटियों के लिए गलत शब्दावली का प्रयोग कर रहा है, जो बोल रहा है कि तुम लड़ो, तुम सिखों से लड़ो, अबे निकल, तेरे में तूने कल बोला है, तेरी वीडियो देखी, तूने बोला कि दम है तो मेरे ऊपर FIR मत करो, मेरे पास सीधे आके लड़। अगर तू अपने एक बाप की औलाद हो, तुम शिवसेना के भानु प्रताप, निशांत शर्मा और तू सुअर, ठीक है, दोनों के नाम मैं फिर किसी दिन रखूँगा, अगर तुम 3 सुअरों में दम है, जितनी तुम्हारी शिवसेना की फौज है, अपनी पूरी जो है सरकारी गार्ड छोड़ दो, प्राइवेट बाउंसर लेकर आ जाओ, तुम लोग बोलो कहाँ पर आना है, लेकिन हर बार की तरह भागना मत। इस बार हम दिखाते हैं, हम हिंदू ही दिखाएंगे, सिखों को छोड़ो, हम हिंदू ही दिखाएंगे। अगर तुम लोग हमारे को 1.25 मिनट भी झेल गए, हम भी गुरु गोविंद साहब जी की संतानें हैं, तो भाई हम लोग तुम्हारे देनदार हो जाएंगे, हम तुम्हारी शिवसेना के साथ घुस जाएंगे। छुपकर बैठे हुए 25-25 जो है बॉडीगार्डों के साथ बुलेट प्रूफ कार में बैठकर, और पहले 35,000 हिंदू मरवा दिए, 35,000 हिंदू मर गए, और तुमको ज़्यादा दुख है 35,000 हिंदू मर गए, तो पहले मेरे को एक बात करो, 35,000 हिंदू जो मरे हैं, उनके परिवार कहाँ पर है? आज तक उनका कोई भी परिवार आगे क्यों नहीं आया कि 35,000 हिंदुओं का कत्ले आम हुआ? क्यों हमेशा सिखों का ही आता है? दिल्ली में भी सिखों को मारा गया था, तेरे दिल में अगर प्यार होता
तो तू कभी ये बात नहीं बोलता। तू अगर बोलता, तू बोलता हाँ मेरे हिंदू भाई भी मरे, मेरे सिख भाई भी शहीद हुए, दोनों हुए, ठीक है। हमें ये नफरत भूलनी चाहिए, हमें सिखों की शहादत का मोल देना चाहिए। तेरे को पैसा चाहिए, जो चाहिए तू बोल। तेरा सीधा सा देख, ये मैं पहला एक विरोध बहुत शांति प्रिय से विरोध कर रहा हूँ, मैंने तेरे टांग अड़ा दी है। मैं पहला हिंदू हूँ जो तेरा पुतला भी जलाने वाला हूँ। तेरा भी जो होना है वो होगा, तेरे लिए भी जो उचित कार्रवाई होगी, जो हमारे तेरा पुतला जला रहा हूँ, जो हमारे राजपुरा के डमडमी साल के जत्थेदार साहब हैं बरविंदर वीर जी, उन्होंने कहा था किसी हिंदू का जमीर जिंदा है तो ये देख लीजिए वीर जी, हिंदू का जमीर जिंदा है। हम भी दशमेश पिताजी की औलादे हैं और पूरा जिंदा है। अगर मेरा एक कदम भी पीछे हट जाएगा ना तो मेरा अरे बंद बंद भी कटवा दोगे तो मेरा एक भी कदम नहीं हटेगा। अब ये गिरेगा, चल वे गिर नीचे, तेरी औकात नहीं है विशालनाथ के सामने जलने की भी, तू नीचे गिरेगा सूरी, गिर नीचे जो तेरी औकात है, तू गिर, तेरे को मैं तेरे पैर के नीचे लूंगा। गिरा नीचे, तेरे को मैं इस जलती हुई आग के नीचे अपने पैर के नीचे लूंगा। ये विशालनाथ है जिसका नाम तू उसके शहर में कभी पूछ लियो, ये विशालनाथ है। ये सीने पे हाथ ठोक कर ये जलती हुई आग में पैर रख रहा है, तुम्हारी तरह नहीं कि पोस्टर जला दिए और 10 कदम दूर भाग लिए। अभी भी सुधर जाओ, हम हिंदू सिखों के बीच में फूट डलवानी बंद करो। हमारे लिए तुमने कार्य करने हैं, जो हमारे हिंदू धर्म के लिए गलत बोल रहा है, चाहे वह सिख हो चाहे किसी भी जाति का हो, उनके लिए बोलो हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। लेकिन तुम्हारी इन गंदी हरकतों के साथ हम लोग तुम्हारे साथ नहीं खड़े हुए। तो जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मुझे ये वीडियो एडिट करना पड़ा है, तो अब जो है जयकारा मैं सब भाइयों की तरफ से मैं लगाऊंगा, ठीक है। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे